हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्यूल या दोहरीकरण के बारे में कुछ बताइए, कहाँ तक कितना काम हुआ है और कब तक पूरा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शेखपुरा से काशी चक तक का दोहरीकरण देखेंगे। ECR के जानकारी के अनुसार यह रेलखंड 2020 के लास्ट तक ही पूरा होने वाला था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह कब तक पूरा होगा इसका भी कोई पता नहीं है। रेलवे तो हमेशा कहती है आज चालू हो रहा है, कल चालू होगा, लेकिन अभी तक यह रेलखंड दोहरीकरण चालू नहीं हुआ है। हाँ, क्यूल गया रेलखंड के मानपुर से बजीरगंज तक का दोहरीकरण पूरा हो गया है, लेकिन बजीरगंज से शेखपुरा तक का काम अभी चल ही रहा है। अधिकतर बड़े और छोटे पुल पुलिया बना लिए गए हैं। शेखपुरा से क्यूल तक का दोहरीकरण भी इसी साल के लास्ट तक होने वाला था, लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि इस लाइन का दोहरीकरण कब तक पूरा होगा। जो भी न्यूज रेलवे देती है वही अपडेट हम आप लोगों को देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, कहां तक कितना काम हुआ है। यह बिल्कुल पूरा नॉन स्टॉप वीडियो है काशी चक तक का, और काशी चक से आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सामने से जो ट्रेन आ रही है वो हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि BEP5 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। तो दोस्तों, आज हम इसी ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कीजिए, हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो को हमने दरवाजे पर बैठ कर शूट किया है। दरवाजे पर इतनी ठंड लग रही थी, फिर भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया है। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी हम इंडियन रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ डालते रहते हैं।